नमस्कार दोस्तों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में मैं हूं पीसी पंत और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी में एक ऐसा टॉपिक जिसकी आप कई समय से डिमांड कर रहे थे और ये हमारे यूकेत्र प्लस सी के सिलेबस में है। पत्र लेखन और पूर्व के पेपरों में ऐसा देखा गया है कि यहाँ से दो क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में हर बार पूछा जा रहा है। तो आप सभी की डिमांड पर आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी में ये टॉपिक पत्र लेखन, कि किस प्रकार से जो पत्र होते हैं वो लिखे जाते हैं और पत्रों की क्या लैंग्वेज होती है, क्या व्यवस्था होती है, किस प्रकार से पत्र में लिखते वक्त ध्यान दिया जाता है। तो स्टूडेंट, कई प्रकार का यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कई बार ये देखा जाता है कि यहाँ पर से एक क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाता है कि कोई परिभाषा आपसे पूछ ली जाती है और फिर वहाँ पर पूछा जाता है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। जैसे पूर्व में यहाँ पर देखा गया है, आज मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊँगा कि पूर्व में यहाँ पर किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था और पूर्व के जो दो तीन पेपर हुए हैं उनमें कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और उनका सही जवाब क्या है। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं पत्र लेखन की, तो सर्वप्रथम हमें यह पता होना चाहिए कि पत्र जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला पत्र होता है सामान्य पत्र, ठीक है, नॉर्मल लेटर। जो सामान्य पत्र होता है दोस्तों, वो जो पत्र है हम उसे दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं उसे भी, क्योंकि जो सामान्य पत्र होगा हम दो लोगों को उसे भेजते हैं, या तो हम परिवार के किसी सदस्य को भेजते हैं, अपने पिताजी को, अपने माताजी को, अपने भाई बहन, इन लोगों को यह पत्र भेजेंगे, या हम क्या करते हैं सामाजिक पत्र। सामाजिक पत्र का मतलब क्या हुआ, जैसे परिवार के अलावा हमने वह पत्र अपने किसी रिश्तेदार को भेज दिया, तो वह होता है समाज में किसी भी दोस्त को भेज दिया, तो वह होता है सामाजिक पत्र, ठीक है। तो वो तो नहीं पूछा जाएगा, आपको इतना पता होना चाहिए कि एक पत्र होता है सामान्य पत्र और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट होता है कार्यालयी पत्र, ठीक है। अब एक ऐसा पत्र है स्टूडेंट कि जो न तो हम किसी रिश्तेदार को भेज रहे हैं, न परिवार के सदस्य को भेज रहे हैं, बल्कि हम उस पत्र को भेज रहे हैं किसी कार्यालय को। तो वो जो कार्यालय पत्र होता है, तो दो प्रकार के पत्र होते हैं, एक सामान्य पत्र और एक कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र हमारे सिलेबस में एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझ सकते हैं सामान्य पत्र में जो पारिवारिक पत्र और सामाजिक पत्र होते हैं, अब अपने फूफा जी को पत्र लिखने के लिए, अपने दोस्त को पत्र लिखने के लिए, तो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा नहीं। और फिर हमारे जो पेपर होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर नहीं होते हैं समूहों में, और हमारे जो पेपर होते हैं ऑप्शनल होते हैं, इसलिए ये वाले जो पोर्शन को है इसको केवल हमें समझना है, इसको ज़्यादा जो है याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेन जो चीज़ है वो है कार्यालय पत्र। आखिर कार्यालय पत्र क्या है, क्या इसके भाग हो सकते हैं, क्या क्या कार्य कार्यालय में होते हैं, यहीं से दोस्तों हमारा पेपर जो है बनता है हर बार, ठीक है। तो कार्यालय पत्र का मतलब क्या हुआ कि हमने किसी भी विभाग को, किसी भी ऑफिस को, अब हम किसी अधिकारी को यदि पत्र लिखते हैं तो दोस्तों, तो ऑब्वियसली वो अधिकारी किसी विभाग में कार्यरत होगा, तो वो अपने आप ही कार्यालय पत्र बन जाता है, ठीक है। तो कार्यालय पत्र सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि कार्यालय पत्र जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सर्वप्रथम आप यहाँ पर देख सकते हो प्रार्थना पत्र। कार्यालय पत्र में सबसे पहले हमने क्या नोट किया है, प्रार्थना पत्र। फिर आप देख रहे हैं आवेदन पत्र। फिर तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं प्रत्यावेदन। चौथे नंबर पर आप देख रहे हैं शासकीय पत्र। पांचवें नंबर पर आप देख रहे हैं अर्ध शासकीय पत्र। फिर छठे नंबर पर आप देख रहे हैं शासनादेश। सातवें नंबर पर आप देख रहे हैं अधिसूचना। आठवें नंबर पर आप देख रहे हैं कार्यालयीय ज्ञापन। नवें नंबर पर आप देख रहे हैं परिपत्र। दसवें पर हमने लिखा है अनुस्मरण पत्र। ग्यारहवें पर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों टिप्पण, ठीक है, टिप्पण वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है मुझे कि यह क्वेश्चन दो पेपरों में पूछ लिया गया है, फॉरेस्ट गार्ड पेपर में भी पूछा था और किसी दूसरे पेपर में भी पूछा था। उसके बाद है प्रतिवेदन, फिर है प्रेस विज्ञप्ति, फिर है निविदा, उसके बाद है विज्ञापन। तो मैंने ये 15 अलग अलग चीज़ों का जिक्र यहाँ पर किया है स्टूडेंट। ये जितनी भी चीज़ें होते हैं, चाहे वो प्रार्थना पत्र हो, चाहे आवेदन पत्र हो, चाहे प्रत्यावेदन हो, शासकीय पत्र हो, अर्ध शासकीय पत्र हो, शासनादेश हो, अधिसूचना हो, कार्यालयीय ज्ञापन हो, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आती हैं कार्यालय पत्र के अंतर्गत, ठीक है।
तो अब जैसे एक अधिकारी ने दूसरे अधिकारी को पत्र लिखा, एक कार्यालय ने दूसरे कार्यालय को पत्र लिखा, सूचना दी, कुछ भी किया, तो ये कार्यालयी पत्र के अंतर्गत आता है। एग्जामिनर कभी कभी आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि अधिसूचना क्या है, अधिसूचना क्या है, तो ऑप्शन में आ जाएगा एक कार्यालयी पत्र है, एक सामाजिक पत्र है, एक पारिवारिक पत्र है, या इनमें से कोई नहीं, तो आप कहेंगे कार्यालयी पत्र है। और स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से पिछले पेपर में शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा चुका है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जब इतनी चीज़ें पूछ ली गई हैं तो निश्चित ही हमारा भी ये फ़र्ज बनता है कि हम इसे आपको बताएं और इसे अच्छे से पढ़ करके एग्ज़ाम में जाएं। तो जितनी चीज़ें हमने आपको बताई, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, प्रत्यावेदन, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, इन सभी का हमें गहन अध्ययन यदि इस चैप्टर में हमने कर लिया तो ये समझ लीजिए कि हमने ये चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया। इसी पर ये चैप्टर पूरा फोकस है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये जो है आसानी से बुकों में मिलता नहीं है ये मटेरियल जो है, और इससे क्या होता है कि स्टूडेंट बहुत चिंतित रहते हैं कि हम इसकी तैयारी कैसे करें, और यह जो टॉपिक है वो आसानी से समझ में आता भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैं आपके बीच इसको लेकर के आया हूँ। सर्वप्रथम देखिए, हमने बात की थी वहाँ प्रार्थना पत्र की, तो मैंने यहाँ आपके लिए हेडिंग लिखा है प्रार्थना पत्र। आखिर क्या होता है प्रार्थना पत्र, वो हम आपको बताएंगे। प्रार्थना पत्र मतलब हे भगवान प्रार्थना करो, हे राम वाला नहीं, ये प्रार्थना पत्र मतलब है कि जैसे हम किसी भी कार्यालय को लेटर भेजते हैं, लेकिन वो लेटर कैसा है, प्रार्थना पत्र है। ठीक है, प्रार्थना पत्र, प्रार्थना क्यों करेंगे, जब हम उस कार्यालय से कुछ मांगेंगे तभी तो प्रार्थना करेंगे। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा नमूना जो होता है, सबसे सही जो एक उदाहरण होता है, वह होता है जो हम स्कूल में छुट्टी के लिए पत्र लिखते हैं प्रधानाचार्य जी को, तो वह सबसे बड़ा प्रार्थना पत्र होता है। उसके अलावा और भी होते हैं, समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों जब प्रार्थना पत्र लिखा जाता है तो आपको पता है क्या होता है, सर्वप्रथम सेवा में लिखा जाता है, उसके बाद उसका पदनाम जिन्हें हम लिख रहे हैं, तो सेवा में लिखा, फिर पदनाम हमने लिख दिया, पद और नाम। जैसे हमने कहा सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, तो प्रधानाचार्य महोदय यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ पर उनका पता भी आएगा। ठीक है, प्रधानाचार्य महोदय जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा या जो भी है। ठीक है, फिर नीचे हम संबोधित करते हुए, संबोधित मतलब कि महोदय, ऐसे हमने कहा कि महोदय विषय इस प्रकार है, अब हमने विषय लिखा, विषय महोदय कर लिया, फिर विषय कर लिया। ठीक है, ओके, फिर विषय हमने लिख दिया कि एक दिन के अवकाश हेतु, तो फिर हम नीचे से लिखेंगे कि महोदय निवेदन इस प्रकार है कि मेरे घर पर आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण मैं जो है आज स्कूल आने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे एक दिन का अवकाश देने की कृपा कीजिएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अब ये सब चीज़ें, ये राम कहानी तो आपको एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं, आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि किसी प्रार्थना पत्र में स्वनिर्देश क्या होता है। ठीक है, तो ये एक नया वर्ड है, नया शब्द है, स्वनिर्देश क्या होता है। दोस्तों स्वनिर्देश वो होता है, जैसे हम प्रार्थना पत्र लिखने के बाद नीचे लिखते हैं कि आपका आज्ञाकारी शिष्य है ना, आपका आज्ञाकारी शिष्य अमित कुमार या मनोज कुमार, ऐसे लिखते हैं ना, तो वो जो आपका आज्ञाकारी शिष्य यूअर ओबीडियंटली लिखा जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं स्वनिर्देश, अपने लिए, स्वयं के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रार्थना पत्र क्या है। तो दोस्तों प्रार्थना पत्र से कोई क्वेश्चन ज़्यादा ऐसा बनने का उम्मीद नहीं है, क्योंकि टॉपिक इसमें इतना कोई खास नहीं है। ठीक है, और सभी लोग जानते हैं। चलिए, प्रार्थना पत्र के बाद दूसरे नंबर पर वहाँ क्रम में था हमारा आवेदन पत्र। ठीक है, तो आवेदन पत्र क्या होता है, पहले हमको उसको समझना चाहिए। दोस्तों आवेदन पत्र यह होता है कि जैसे किसी विभाग में कोई पद निकला हो या कोई मौका हो जिसमें हम कार्य कर सकें, तो उसमें कार्य करने हेतु इच्छुक जो व्यक्ति होता है वह क्या लिखता है, एक पत्र लिखता है उस अधिकारी को आवेदन करने के लिए। ठीक है, उस पद पर जाने के लिए आवेदन करता है, तो उस पत्र को कहते हैं आवेदन पत्र। अब आपको इतनी लंबी चौड़ी जो है परिभाषा तो एग्ज़ाम में पूछ नहीं सकता है, हाँ हो सकता है ऐसे आ सकता है कि एक क्वेश्चन अच्छा आ जाए कि किसी विभाग में कुछ पद रिक्त हैं और कोई छात्र जो है वहाँ अप्लाई करना चाहता है, तो उसमें कैसा पत्र लिखा जाएगा, तो वो क्या होगा,
आवेदन पत्र, विज्ञापन पत्र नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विज्ञापन अलग चीज़ है, ठीक है, आवेदन पत्र। अब आवेदन पत्र और जो है प्रार्थना पत्र में अंतर है, ठीक है, क्या अंतर है वो समझिए। देखिए, जहाँ हम वो लिख रहे थे प्रार्थना पत्र, तो आवेदन पत्र में क्या होता है, सेवा में श्रीमान पता अधिकारी का, वही सेम होगा जहाँ तक वो था, ठीक है, सेवा में लिखा फिर श्रीमान जो पता है, यानी हमें PWD अधिकारी या जो भी अधिकारी है उनको हमने ये लिख लिया, या स्कूल के प्रधानाचार्य को लिख दिया हम यहाँ चौकीदार के रूप में काम करना चाहते हैं करके, कुछ भी हो, या स्कूल में लेक्चरर की पोस्ट आई हो और आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, तो सेवा में श्रीमान पता अधिकारी जिनको हमने बात करनी है। फिर विषय, अब विषय में हम लिखेंगे कि अध्यापक के तौर पर कार्य करने हेतु, तो जो भी विषय है, फिर हम दिनांक लिखेंगे। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना पत्र में दिनांक पहले नहीं लिखा जाता है, यहाँ विषय के नीचे दिनांक लिखा जाएगा, ठीक है। जब पूरा विषय मटेरियल पूरा आ जाएगा, जिसमें कि हम ये दिखाएंगे कि मेरी शैक्षिक योग्यताएं यह है, मैंने यह पास कर रखा है, मैं इस पोस्ट पर आना चाहता हूँ, कृपया मुझे जो है सेवा का अवसर देने की कृपा कीजिएगा, उसके बाद जब विषय हो जाएगा तो फिर यहाँ नीचे बाईं ओर दिनांक लिखोगे और दाईं ओर लिखोगे भवदी। अब यहाँ पर जो है स्वनिर्देश में आपका आज्ञाकारी ये सब नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, भवदी, क्योंकि जो अप्लाई कर रहा है वो उनका परिचित नहीं है, उनका कोई छात्र नहीं है, आपका आज्ञाकारी नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, आपका जो है सीधे आएगा भवदी। तो भवदी किसे कहते हैं, वो एक प्रकार का स्वनिर्देशन अपने लिए है, ठीक है। चलिए, एग्जाम में ये आ सकता है। नेक्स्ट, दो टॉपिक हमारे क्लियर हुए, प्रार्थना पत्र, दूसरा आवेदन पत्र। तीसरा है दोस्तों प्रत्यावेदन। प्रत्यावेदन क्या होता है दोस्तों, हम कई बार बोलते हैं कि हम प्रत्यावेदन लगाएंगे, तो दोस्तों वही ये चीज़ है प्रत्यावेदन। जैसे UK SSC एग्जाम ने वीडियो की परीक्षा कराई, अब वीडियो की परीक्षा में 10 प्रश्नों के उन्होंने जो है गलत आंसर की दे दिया, गलत उत्तर दे दिया कि जिनका उत्तर वो नहीं, यानी त्रुटि हुई है किससे, विभाग से, तो उसको जो लिखा जाता है उस संदर्भ में स्पष्टीकरण दिया जाता है, लिखा जाता है, तो वो होता है प्रत्यावेदन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रत्यावेदन अलग है, प्रतिवेदन अलग है, अंतर है दोनों में, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो किसी गलत तथ्य या गलत आरोप अथवा अधिकारी द्वारा हुई त्रुटि के संबंध में लिखा गया पत्र। अब दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि विभाग में जो लोग काम कर रहे होते हैं उन पर अधिकारी के द्वारा गलत आरोप लगा दिया गया कि जिसमें उनकी गलती है ही नहीं, तो ऐसे में एक अधिकारी अपने सीनियर अधिकारी को जो पत्र लिखता है उसको भी हम लोग प्रत्यावेदन कहते हैं। और जैसे हम UK SSC आयोग को, UK PSC आयोग को जो लेटर भेजते हैं एग्ज़ाम के बाद जो गलतियां पाई जाती हैं तो उसको प्रत्यावेदन कहा जाता है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो किसी गलत तथ्य या गलत आरोप अथवा अधिकारी द्वारा हुई त्रुटि के संबंध में लिखा गया पत्र क्या होता है, प्रत्यावेदन। अब कैसे प्रत्यावेदन लिखा जाता है, अब यहाँ पर कुछ खास है, अभी तक के दो पत्रों में हमने अलग देखा, यहाँ पर अलग है। सेवा में श्रीमान लिखा जाएगा, फिर उनका पता लिखा जाएगा, ठीक है, ओके, सेवा में श्रीमान लिखा, फिर पता किसका, जिन्हें हम भेज रहे हैं, अच्छा। अब फिर उसके बाद लिखा जाता है द्वारा, अब यहीं पर प्रेक्षक का पता भी आ जाएगा, द्वारा प्रेक्षक का पता, जो लिखने वाला है, ठीक है। और उसके बाद फिर जब ये प्रेक्षक का पता आ जाएगा तो फिर आएगा विषय, किस विषय पर कौन सी बात हो रही है, वो सब जो गप होंगी वो लिख दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद बाईं ओर दिनांक और दाईं ओर भवदीय, ठीक है। तो ये खास बात इसमें क्या है कि इसमें प्रेक्षक का पता ऊपर ही हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये था प्रत्यावेदन। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वह है शासकीय पत्र, कि आखिर शासकीय पत्र क्या होता है। पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र, ठीक है, तो इन दोनों को हमें समझना है अच्छे से। शासकीय पत्र क्या होता है, तो दोस्तों शासकीय पत्र उसे कहते हैं जैसे केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को एक पत्र लिखा, या एक राज्य की सरकार ने दूसरे राज्य के लिए सरकार को पत्र लिखा, ठीक है, या फिर क्या हुआ, सचिवालय के किसी बड़े अधिकारी ने अपने नीचे जो अधीनस्थ आयोग हैं या फिर और लोग हैं उनको पत्र लिखा, तो ऐसे पत्रों को कहते हैं शासकीय पत्र या सरकारी पत्र, ऐसा भी बोल सकते हो आप, शासकीय पत्र, मतलब उसमें पूर्ण रूप से जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार को लिख रही है, या राज्य सरकार केंद्र सरकार को लिख रही है, या एक राज्य की सरकार दूसरे राज्य की सरकार को लिख रही है, या सचिवालय के अधिकारी या राज्यपाल जो है सचिवालय के अधिकारी को लिख रहे हैं, तो या अधीनस्थ को लिख रहे हैं, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये पत्र जो होते हैं शासकीय पत्र कहलाता है।
अब यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि शासकीय पत्र की क्या विशेषता होती है। तो दोस्तों शासकीय पत्र जो होता है उसमें निर्देश सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखी जाती है कि शासकीय पत्र संख्या, कि आखिर पत्र संख्या कौन सा है। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी लिख दो। पत्र संख्या होता है, लेटर पैड होता है, कि कोई भी पत्र लिखा जाता है तो उसका रिकॉर्ड रहता है, ऑन रिकॉर्ड। तो शासकीय पत्र लिखते वक्त सभी पत्रों में सर्वप्रथम ऊपर से पत्र संख्या लिखी जाती है। उसके बाद क्या लिखा जाता है, प्रेक्षक का नाम, जो पत्र लिख रहा है यानी जिसको भेज रहे हैं उसे नहीं, प्रेषिता कहते हैं उसे, तो प्रेक्षक का नाम, जो पत्र लिखने वाला है उसका नाम, ठीक है, ओके, और उसका पद इत्यादि, ठीक है। उसके बाद जब प्रेक्षक का नाम हो जाएगा फिर नीचे आएगा प्रेक्षिती का नाम, यानी जिसको भेज रहे हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है शासकीय पत्र ये, कि जो प्रेक्षक का नाम होता है वो पहले आएगा और फिर जो है प्रेक्षिती का नाम आएगा जिसे पत्र भेजना है, ठीक है। यानी पहले ऊपर प्रेक्षक का नाम, फिर उसके ठीक नीचे प्रेक्षिती जिसको भेजेंगे उसका नाम, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करते हैं, फिर दाईं ओर दिनांक लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लिया तो दाईं ओर क्या लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं, ओके। अब इसका नमूना, एक नमूना मैंने आपके लिए रखा है, यानी एक सैंपल जिससे आप समझ सको। देखो सर्वप्रथम क्या होगा, पत्र संख्या आपने लिख लिया ऊपर, ठीक है। पत्र संख्या लिखने के बाद प्रेक्षक, अब प्रेक्षक माना सचिवालय के सचिव साहब पत्र लिख रहे हैं नीचे अपने किसी अधिकारी को, ठीक है। तो प्रेक्षक जो है यहाँ पर है, प्रेक्षक लिखते ही सचिव उत्तराखंड शासन देहरादून, ऐसे हमने लिख दिया, ये उन्होंने लिख दिया, इस प्रकार का एक पत्र का मॉडल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फिर नीचे वो अपने छोटे अधिकारी को भले ही लिख रहे हैं लेकिन लिखेंगे सेवा में, ठीक है, सेवा में, श्रीमान नहीं लिखेंगे, सेवा में लिखेंगे, निदेशक उच्च शिक्षा हल्द्वानी। अब उच्च शिक्षा जो निदेशालय है उत्तराखंड का, उच्च शिक्षा का वो कहाँ है, हल्द्वानी में है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उच्च शिक्षा मतलब बी ए एम ए की जो एजुकेशन होती है उसे उच्च शिक्षा कहते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत है, ठीक है, और शिक्षा मंत्री हमारे जो है वो अरविंद पांडे जी हैं। तो सेवा में, तो पहले क्या होगा, पहले प्रेक्षक का नाम आएगा सचिव जो है, फिर सेवा में, फिर जिसको पता लिखा जा रहा है उसका नाम और पता, निदेशक उच्च शिक्षा हल्द्वानी। अब फिर जो है दाईं ओर दिनांक आएगा, और दाईं ओर दिनांक आएगा, बाईं ओर से विषय, जो विषय है जो बात होनी है, ठीक है, और उसके बाद नीचे से आज्ञा से सचिव, ठीक है। तो खास बात क्या है इसमें, कि प्रेक्षक के बाद फिर जो है प्रेक्षिता का नाम आएगा, उसके बाद फिर विषय आएगा, ठीक है। चलिए अब वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ध सरकारी पत्र। दोस्तों यही पूछा गया था पिछली बार, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से किसी सरकारी कार्य हेतु पत्र लिखते हैं। अब क्या है कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को पत्र तो लिख रहा है लेकिन कार्यालय तौर पर नहीं, व्यक्तिगत तौर पर लिख रहा है किसी सरकारी कार्य हेतु। इसके द्वारा किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया जा सकता। अब जैसे शासकीय जो पत्र है उसका तो रिकॉर्ड रहता है, अब अर्ध शासकीय पत्र के द्वारा कोई भी अधिकारी अपने से नीचे अधिकारी को जो है या विभाग को आदेशित नहीं कर सकता है कि तुम ये काम करो करके, ठीक है, और वह अपने व्यवहार तौर पर, अपने गुडविल के तौर पर पत्र या फिर किसी कार्य का रिमाइंडर देने के लिए कि यार मैंने ये पहले पत्र भेजा था और आपने इस पर कार्रवाई नहीं की, तो वो अपने तौर पर, निजी तौर पर एक पत्र भेज सकता है जिसको बोलते हैं अर्ध सरकारी पत्र। तो इसे किसी भी प्रकार का आदेश नहीं दिया जा सकता, इसे आदेश ऑर्डर नहीं समझा जा सकता, जबकि शासकीय पत्र में आदेश भी दिया जा सकता है क्योंकि यह एक विधिक पत्र नहीं होता है, बिल्कुल कानूनी पत्र उसको नहीं ऑफिशियल माना जाता है, ठीक है। अब नमूना हम आपको बताते हैं, देखिए जो नमूना है, नमूना में अर्ध सरकारी पत्र संख्या लिखेंगे, पत्र संख्या इसमें भी आएगा, ओके। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रेक्षक का नाम बाईं ओर से लिखा जाएगा। प्रेक्षक का नाम कहाँ लिखा जाएगा, बाईं ओर, तो लेफ्ट साइड शीर्ष पर, यानी बाईं तरफ शीर्ष पर हम क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे हम प्रेक्षक का नाम बाईं ओर से, यहाँ से लिखना, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे प्रेक्षक का नाम और पता। फिर ठीक उसके आगे, ठीक उसी पन्ने में उसके आगे लिखेंगे उसका जो, अब ध्यान से सुनिए, प्रेक्षक का नाम और उसके ठीक आगे लिखना है पता कार्यालय, यानी वो जो प्रेक्षक पत्र लिख रहा है उसका नाम, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर रविंद्र कुमार, अब भाई वो किसी पोस्ट में तो होगा ना, तो उसके ठीक सामने,
उसका पता कार्यालय का है कि उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी सचिव देहरादून और फिर नीचे आएगा दिनांक। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पूछा गया था कि अर्ध सरकारी पत्र में जो प्रेक्षक का नाम होता है वह कहाँ पर लिखा जाता है। तो ऑप्शन में था कि बाई ओर शीर्ष पर, फिर एक ऑप्शन में था दाई ओर शीर्ष पर, तो दोस्तों दाई ओर तो हो ही नहीं सकता है, बाई ओर शीर्ष पर, यानी शीर्ष मतलब शुरू में, शुरू से बाई तरफ से यहाँ से जो है लिखना शुरू कर दे। वैसे भी हिंदी बाई तरफ से दाई की ओर ही लिखी जाती है, खरोष्ठी लिपि में उर्दू जो होती है वह दाई से बाएँ होती है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन आया था, उसके बाद फिर बीच में मटेरियल आ जाएगा जो भी लिखना है, फिर नीचे संबोधन के साथ विषय ये आ गया, ओके, फिर प्रतिष्ठा में प्रेक्षिता का पता ये सब लिख दिया। अब नीचे लास्ट में जहाँ पत्र भेजना है वहाँ लास्ट में आएगा प्रतिष्ठा में, ठीक है, उनका एड्रेस आएगा सबसे लास्ट में। तो गौर करने की बात क्या है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अर्ध सरकारी पत्र में जिसे पत्र भेजा जा रहा हो प्रेक्षिता या प्रेक्षिती उसका एड्रेस कहाँ आता है, तो वो सबसे लास्ट में आता है, उसके बाद भौदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शासनादेश क्या है, ये सब टेक्निकल लैंग्वेज हैं, ये सब पत्र व्यवहार की ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए थोड़ा हम पानी पी लेते हैं, हाँ। तो स्टूडेंट अगला टॉपिक है शासनादेश, शासनादेश क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों शासनादेश को अगर आप ध्यान से समझो तो शासन का आदेश, बहुत सिंपल सी चीज़ है, शासन का आदेश जिस पत्र के माध्यम से प्राप्त होता है वह शासनादेश कहलाता है, यानी गवर्नमेंट का आदेश, यानी गवर्नमेंट की सूचना नहीं आदेश की बात कर रहे हैं, ऑर्डर जिस पत्र से प्राप्त होता है उसे शासनादेश कहा जाता है। जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है शासनादेश जारी किया कि भाई अगर कोई जो व्यक्ति अगर मास्क नहीं पहनता है 500 का उसे जो है जुर्माना लिया जाए, ठीक है। तो फिर जब उन्होंने जब वो शासनादेश जारी करेंगे तो वो क्या करेंगे, सभी विभागों को, जो चेकिंग करने वाले विभाग हैं उन विभागों को पत्र वहाँ से जाएगा। तो जब वो पत्र जाएगा, पहले से तो मेल वगैरह नहीं होती थी, पत्र का ही माध्यम था, ठीक है। तो पत्र जब वो जाएगा तो वो पत्र नहीं बल्कि शासनादेश कहलाएगा, क्योंकि शासन का आदेश है, ठीक है। यह बिल्कुल शासकीय पत्र की भांति होता है, बिल्कुल भाई यह क्या है, एक शासकीय पत्र है, बिल्कुल है, ओके। तो शासनादेश सिंपल सी बात, अब शासनादेश एक अलग चीज़ होती है, अधिसूचना अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो यहीं पर इसीलिए मैंने अगला टॉपिक रखा आपके लिए, अधिसूचना, ओके। अब अधिसूचना क्या होता है दोस्तों, मैं समझाता हूँ। शासनादेश और अधिसूचना दोनों सरकार के ही आदेश होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। और आई होप, मैं ये सोचता हूँ, ये समझता हूँ कि मेरे छात्र मेरी समझाई हुई टॉपिक को जल्दी समझ पाएंगे और आपके समझ में आ जाएगा। शासनादेश तो शासन का आदेश है, यानी शासन ने पत्र भेजा अपना ऑर्डर तो वो शासनादेश कहलाया, ठीक है। लेकिन अधिसूचना क्या होता है, अधिसूचना होता है जैसे माना किसी ज़िले में जिलाधिकारी का पद रिक्त हो जाए, किसी कारण से मृत्यु हो गई या कोई भी कारण है, जिलाधिकारी का पद जो है खाली हो गया किसी ज़िले में, ठीक है। तो तुरंत जो है क्या होगा कि शासनादेश तो होता ही होता है, अब तुरंत ऐसे में अधिसूचना जारी की जाती है। अधिसूचना क्या जारी की जाती है शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, कि फलाने ज़िले का जो DM है, जिलाधिकारी है, वह अब इस ज़िले का कार्यभार भी देखेगा। तो उन्होंने सूचना जारी कर दी, वो सूचना नहीं बल्कि अधिसूचना कहलाती है। या तुरंत किसी नए व्यक्ति को जो है वहाँ का कार्यभार सौंपा जाता है कि माननीय अरविंद सक्सेना जो भी व्यक्ति है वह जो है फलाने ज़िले के अब जो है DM होंगे, तो ये सूचना नहीं होती है बल्कि ये क्या होती है, अधिसूचना, ठीक है। सरकार द्वारा जनसाधारण या सरकारी कार्यालयों को सूचना देने के लिए जो पत्र दिया जाता है उसे अधिसूचना कहते हैं। अब ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बल्कि ये क्या है कि जनसाधारण या कार्यालयों को एक प्रकार का ऑर्डर होता है, लेकिन वो सूचना के तौर पे होता है कि अब ये DM है, अब ये काम करेंगे, ठीक है, अब ये बॉस हैं, तो वो अधिसूचना होती है। यानी सरकार की जो सूचना है वही अधिसूचना कहलाती है। अगला क्या है दोस्तों, अगला है कार्यालय ज्ञापन। आखिर कार्यालय ज्ञापन क्या होता है, तो दोस्तों कार्यालय, ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, कार्यालय ज्ञापन कहते हैं कि सरकारी कार्यालयों से निकले सूचना या आदेश को कार्यालय ज्ञापन या कार्यालय ज्ञाप कहा जाता है। दोस्तों अब जैसे किसी कार्यालय ने कोई सूचना निकाली कि मंगलवार और बुधवार हमारा कार्यालय कार्य नहीं करेगा, तो ये दोस्तों कार्यालय ज्ञापन हो गया। तो जैसे उन्होंने किसी विभाग ने बताना हो तो न्यूज़पेपर इत्यादि में छाप देते हैं कार्यालय ज्ञापन कि भाई ये कार्यालय का किए सूचना है, ठीक है।
चलिए अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अगला आप देख पा रहे हैं दोस्तों वो है परिपत्र। क्या है? परिपत्र। अब अभी तक हम पत्र पढ़ रहे थे, अब हम कह रहे हैं भाई परिपत्र। दोस्तों मेरी नज़र में ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, क्योंकि बाकी यहाँ से क्वेश्चन आ गए हैं, एक यही क्वेश्चन है जो बिल्कुल डिफरेंट लगता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, आएगा ये क्वेश्चन। परिपत्र क्या होता है दोस्तों? बहुत सरल भी है। जब एक ही विषय पर, अब जैसे एक सब्जेक्ट पर कोई पत्र लिखा गया, एक ही विषय पर कोई पत्र एक साथ बहुत से अधिकारियों को भेजा जाता है तो उसे परिपत्र कहते हैं। अब दोस्तों आप लोगों ने मेल में देखा होगा ना, मेल जब हम एक व्यक्ति को मेल करते हैं तो उसके नीचे सीसी में बहुत सारे लोगों को डाल देते हैं। अब वो तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, हमारे पत्र सिस्टम अलग है, ठीक है, तो वहाँ उसको जो है मेल में यूज़ करते हैं, लेकिन हिंदी में दोस्तों इसको परिपत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिपत्र। और एक और नाम इसका है, इसको बोलते हैं गश्ती पत्र। गश्ती पत्र मतलब एक को भेजा, वो गश्त लगाते लगाते दूसरों को भी चले जाएगा। जब एक ही विषय पर कोई पत्र एक साथ बहुत से अधिकारियों को भेजा जाता है तो उसे परिपत्र कहते हैं। एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होता है, अगला पत्र है अनुस्मरण पत्र। अच्छा एक चीज़ और आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक नमूना मैंने रखा है। सबसे पहले प्रेक्षक आएगा, क्या आएगा? प्रेक्षक, बाईं ओर से प्रेक्षक और उसका नाम पता। फिर सेवा में, सेवा में लिख के जिस जिस विभाग को जिस जिस अधिकारी को भेजना है उनका नाम और पता, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। जैसे पहले प्रेक्षक आया, फिर उसके बाद सेवा में लिखा, फिर हमने क्या कर दिया, 1, 2, 3 जितने अधिकारियों को भेजना था वो पत्र उनका नाम और पता लिख दिया, फिर हमने विषय लिख दिया, फिर उसमें जो भी ग्राम कहानी है वो लिख दी और नीचे जो है दिनांक लिख दिया, अवधि लिख दिया। तो ये होता है हमारा परिपत्र। खास तौर पर परिपत्र की परिभाषा एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अगला है अनुस्मरण पत्र। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है अनुस्मरण। अनुस्मरण मतलब क्या होता है कि जब एक अधिकारी पूर्व में भेजे गए पत्र के बाद, अब जैसे किसी एक अधिकारी ने किसी दूसरे विभाग को पत्र लिखा, पूर्व में शासकीय पत्र लिखा और पत्र पर कोई अमल नहीं हुआ तो विलम्ब हो गया ना, कुछ भी आंसर नहीं आया, तो एक अधिकारी दूसरे एक अधिकारी पूर्व में भेजे गए पत्र के बाद विलम्ब हो जाने का दूसरा पत्र भेजता है। अब विलम्ब हो जाने के बाद वो दूसरा पत्र भेज रहा है कि भाई हमने पूर्व में ऐसा पत्र आपको भेजा था और लेकिन आपका कोई जवाब नहीं आया। कभी भी अनुस्मरण पत्र नया पत्र नहीं होता है, बल्कि पूर्व में भेजा हुआ पत्र के जवाब के बदले एक और पत्र होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनुस्मरण पत्र। यानी एक अधिकारी ने एक पत्र भेजा हुआ है, उस पर कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है, रिमाइंडर एक प्रकार का, तो अनुस्मरण पत्र किसे कहते हैं हम? रिमाइंडर एक प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों टिप्पण। और दोस्तों याद कर लीजिएगा, अगर आपको पता हो भी या नहीं भी, ये मैं आपकी याद मेमोरी कितनी तेज है आई डोंट नो, मैं नहीं जान सकता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, भले ही हमने ये फॉरेस्ट गार्ड का पेपर नहीं दिया, हमारा था नहीं पेपर, लेकिन मेरी एक आदत है कि उत्तराखंड में जो भी पेपर होता है, चाहे वो LT का हो, चाहे वो पेपर BEd का हो, चाहे वो DLed का हो, इवन वो पेपर ग्रुप डी का हो या UTET का हो या समूह ग का तो अब है ही, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि उसको उसका स्रोत ला करके उस पेपर को सॉल्व किया जाए। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि टिप्पण जो है वह फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पूछा गया था कि टिप्पण किसे कहते हैं, और स्टूडेंट जो है पगला गए, बोला ये टिप्पणी तो सुना था, टिप्पण क्या हुआ? दोस्तों टिप्पणी का ही हिस्सा है टिप्पण। अब टिप्पण मतलब टीप देना, ऐसे समझो आप, टीप देना मतलब नोट करना, ठीक है, मेन पॉइंट को। तो समझिए टिप्पण क्या होता है, मैं समझाता हूँ। किसी भी परिपत्र अभी हमने बात की थी ना, परिपत्र, सूचना पत्र अथवा प्रस्ताव, मतलब कोई भी पत्र है, ठीक है, जैसे हम कोई भी पत्र लिख रहे हैं, परिपत्र लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, शासकीय पत्र लिख रहे हैं, अर्धशासकीय पत्र लिख रहे हैं, सूचना पत्र, कोई भी पत्र लिख रहे हैं अथवा प्रस्ताव, या हम प्रस्ताव लिख रहे हैं आदि के प्रारूप को तैयार करना। अब जैसे हम कोई पत्र लिख रहे हैं, अब उसके बीच में क्या राम कहानी लिखनी है, ठीक है, तो वो जो हम भूमिका, ताकि हमारा पत्र प्रभावशाली हो, तो वो जो हम बीच में जो मेटेरियल को डालते हैं उसी को कहते हैं टिप्पण, यानी टीप देना, यानी पॉइंटों को टीप टीप करके उसके बीच में लिख देना, यानी है क्या कि कोई भी पत्र को लिखते समय या प्रस्ताव को लिखते समय उसके प्रारूप को जो तैयार किया जाता है, प्रारूप में जो लिखा जाता है उसी को कहते हैं हम लोग टिप्पण। क्या कहते हैं? टिप्पण। और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है नोटिंग, यानी नोट बनाना, नोटिंग,
हमने नोट बना लिए पॉइंट, उसके बाद फिर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों प्रतिवेदन। क्या है? प्रतिवेदन। ओके, इसका अर्थ होता है रिपोर्ट या शिकायत करना। तो प्रतिवेदन क्या होता है? प्रतिवेदन का अर्थ होता है रिपोर्ट या शिकायत करना। ओके, तो प्रतिवेदन में रिपोर्ट या शिकायत करना। ओके, किसी विषय पर शिकायत पत्र जो लिखा जाता है, जैसे अब प्रतिवेदन ये अलग चीज़ है, प्रत्यावेदन अलग था। अगर वहाँ हम देखें तो प्रत्यावेदन भी शिकायत करना ही था, ठीक है, लेकिन वहाँ शिकायत जरूर होती है लेकिन हम रिपोर्ट नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए आप समझो, जैसे यूके ट्रिपल एससी आयोग ने पेपर कराया, उसने 10 क्वेश्चन गलत दे दिए। मैंने अभी पहले भी आपको समझाया था, 10 क्वेश्चनों का आंसर उन्होंने गलत दे दिया जो नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों हम प्रतिवेदन नहीं लगाते हैं बल्कि प्रत्यावेदन लगाते हैं। क्या अंतर है दोनों में? प्रत्यावेदन में हम क्या करते हैं कि उनके सही उत्तर भेजते हैं और उस पर अपनी आपत्ति लगाते हैं कि ये गलत है, त्रुटि है, ठीक है। उसके बाद फिर आयोग विचार करता है, फिर अपना डिसीजन लेता है, ठीक है। वो हमारा डिसीजन मानने के लिए मजबूर नहीं है, ठीक है, और उस पर वो सोचते हैं, विचार करते हैं। लेकिन प्रतिवेदन ऐसा नहीं होता है। प्रतिवेदन में क्या है कि देखा गया कि गलत हो रखा है तो हम उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, उसके खिलाफ जा सकते हैं तो, और शिकायत कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये होता है प्रतिवेदन। तो किसी भी विषय पर शिकायत करना, जैसे हमने देखा कि डीएम साहब ने कुछ गलत किया है तो उनके ऊपर भी हमने शिकायत करके रिपोर्ट लगा दी, तो ये होता है प्रतिवेदन, ठीक है। हमने प्रतिवेदन पत्र भेज सकते हैं। फिर अगला है प्रेस विज्ञप्ति। दोस्तों प्रेस विज्ञप्ति सिंपल सी बात है, जैसे हम प्रेस नोट बनाते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर सरकार के प्रस्ताव, निर्णय, आदेश से संबंधित ऐसी सूचना, अब सरकार का कोई आदेश है, निर्णय है, प्रस्ताव है, से संबंधित ऐसी सूचना जो प्रेस के लिए हो उसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। अब जैसे सरकार ने आज क्या किया कि कोई स्कीम लॉन्च की, तो अब स्कीम नहीं लागू तो हो गई लेकिन जब तक जनता को पता नहीं चलेगा तो वाहवाही कैसे होगी, नहीं होगी। तो सरकार क्या करती है, प्रेस विज्ञप्ति बनाती है प्रेस के लिए, उनके चेले चपाटे बनाते हैं। तो सरकार के प्रस्ताव, निर्णय, आदेश से संबंधित ऐसी सूचना जो प्रेस के लिए हो उसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं, ठीक है। प्रेस नोट भी इसे कहा जा सकता है, ठीक है। ओके, निविदा क्या है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप न्यूज़पेपरों में देखते हो निविदा करके छपा होता है, तो जो विभिन्न विभागों में जो टेंडर खुलते हैं, थोड़ी देर के ऐसे ही समझ लो, विभिन्न विभागों के अंतर्गत समय समय पर अनेक प्रकार के ठेकेदारों के लिए जो सूचना प्रकाशित की जाती है कि कार्य करने के इच्छुक ठेकेदार आमंत्रित हो सकें, उसे निविदा कहते हैं। जैसे कोई विभाग कोई कार्य कराना चाहता है तो वो उसका टेंडर निकलवाएगा, टेंडर निकलवाने से पहले उनके लिए सूचना दी जाएगी अखबार के माध्यम से। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इससे क्या होगा, विभाग अपने चहितों को ही वो दे देगा, ठीक है। विभाग में पहले सूचना दी जाएगी कि इस विभाग में ये कार्य कराना है, और निविदा तो उसको कहते हैं निविदा, हम निविदा दी जाएगी कि ये है, ये उसका चीज़ है, और जो कार्य करने के लिए इच्छुक हैं आमंत्रित हैं। उसके बाद फिर जो आमंत्रित लोग आएंगे तो फिर वो टेंडर भरेंगे, टेंडर का प्रोसेस होता है, और उसके बाद कुछ दिनों का समय दिया जाता है, फिर जा करके कार्य शुरू होता है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की इम्पोर्टेंट चीज़ें। यानी अगर पत्र लेखन की हम बात करें तो पत्र लेखन में जो चीज़ें हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थी, जो परिभाषा, और ये भी एक दोस्तों बिल्कुल सत्य चीज़ है कि यहाँ से एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन हर पेपर में आना ही आना है, ठीक है। तो कैसी लगी यह क्लास, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।